उत्तर प्रदेश में 24 के रण का चरण जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक उलटफेर की कहानी को लिखा जा रहा है। चुनाव के दौरान हर रोज यूपी की सियासत बदलाव का एक नया अध्याय लिख रही है, जिसके चलते सियासी उठापटक अपने चरम पर है और चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना रही है। आपको बता दें कि यूपी में चुनाव का चौथा चरण पूरा हो चुका है और पांचवें फेज के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन अवध और बुंदेलखंड की चुनावी लड़ाई के पहले ही पूर्वांचल ने सियासी उलटफेर का तड़का लगाकर माहौल को गर्म कर दिया है। अगर बात बाहुबली नेताओं पर की जाए तो उनके पाला बदलने की कहानी भी खूब चर्चा बटोर रही है। कोई मौजूदा सत्ता पक्ष के नजदीक जा रहा है तो कोई खुद को उससे दूर दिखा रहा है। वहीं यूपी की सियासत के बदलते स्वरूप के बीच गाजीपुर का चुनावी रण भी दिलचस्प होता जा रहा है। यहां पर सातवें और अंतिम चरण में मतदान है और नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन यहां के मौजूदा सांसद अफजल अंसारी के परिवार ने चुनावी लड़ाई को रोचक मोड़ दे दिया है। पिता के साथ बेटी नुसरत अंसारी का नामांकन खूब चर्चा में है, जिसे गाजीपुर ही नहीं सूबे की सियासत का तापमान बढ़ रहा है। दरअसल नुसरत अंसारी के नामांकन के बाद इस बात की चर्चा सियासत में तेज हो गई है कि अगर अफजल अंसारी को हाईकोर्ट के फैसले में कोई आंच आई तो फिर बेटी निर्दलीय ही राजनीतिक रणभूमि में परिवार के लिए कड़ा इम्तिहान देंगी। नामांकन में पास हो चुकी नुसरत और उसके पिता अफजल अंसारी के सियासी भविष्य पर अदालत के फैसले का इंतजार सभी को है, जिसके पांचवें चरण के मतदान के दौरान 20 मई को आने की संभावना है। गैंगस्टर केस में अदालत के निर्णय के बाद अगर अफजल चुनाव के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं तो उसके बाद उनकी बेटी नुसरत ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में बीजेपी के मुकाबला ताल ठोकेंगी। हालांकि उलटफेर के माहौल में मतदाता मौन है, लेकिन सभी के मन में ये सवाल है कि गाजीपुर का अगला राजा कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।